कैसे हो बेटा, कैसे हो? I used to hate it as a kid. Then I remember mom giving me an idea. He said, बेटा जब भी शर्मा के लाए ना, आप बालों में तेल लगा के बैठा लो. So I used to sit with a lot of oil. And then he, over two or three rounds, he stopped kind of doing that to me. So, lovely hearing these stories. And Tanuja sent me this book last month and I ended up reading it. And actually, it took me back to my Nagpur days. I grew up there. And so I'm glad there are so many writers so these kind of these stories get collected, because aap aise anecdotes to hamesha sunte ho, aap jao apne shehar mein koi kahaniyan sunte ho, but these are like observe, lot of observations of life jo pahunchte nahi. So finally in this book I actually found ki these are really great observations of life jo humne sune hain. Usme shayad kabhi thoda masala bhi laga diya gaya, because everybody is a storyteller. So as they say, never let truth come in the way of a good story. So I was really happy hearing this, all these stories. And पर हनीमून क्या होता है कि हर कहानियाँ पास होती है ना, जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन पास होती है, तो वो लिखी तो ही नहीं आदमी सुना रहे हैं, फिर बबली किसी और ने किसको सुनाया, तो उसमें लगता ही जाता है. I'll tell you a story about my childhood. Even school, and we used to live in a small colony called Vijayanagar. तो हम लोग सारे बच्चे पैसे इकट्ठा करके एक फेयर कंडक्ट करते थे. वो फेयर में पंडाल मंगाया जाता था, कुछ टेबल कुर्सियाँ आती थी, तो जब हो जाता था तो रात को हमको रहना पड़ता था, सामान सुबह जाता था वापस. अब पंच ऑफ लाइक 8-10 kids रात को सोते नहीं थे, अब क्या करें, मस्ती है. वी टू टेक दैट. एक साल मुझे याद है जब मैंने वहाँ टेबल की जो व्हाइट चादरें थी वो उठाई, एंड वी बेट एंड स्टूड ऑन अ रोड, कच्चा रास्ता था, ये भूत बन गया. एंड वी स्टूड देयर विद द इंटेंशन ऑफ स्केयरिंग पीपल. तो कोई एक आदमी जा रहा था साइकिल में, तो हमने ऐसे भूत बन के धीरे से रोड क्रॉस किया और वो यूटर्न मार के भाग गया वहाँ से. फिर कोई स्कूटर पे आ रहा था, दिस मस्ट बी 3-4 इन द मॉर्निंग, दूसरा भाग गया. थोड़ी देर बाद देयर वाज अ नर्स, देयर शुड बी हॉस्पिटल देयर, उसकी आई थिंक देयर वाज अ नर्स वाज डूइंग फॉर मॉर्निंग ड्यूटी, तो वो जा रही थी, उसका हस्बैंड उसके साथ था, उसको छोड़ने जा रहा था. अब दे मस्ट हैव बीन गोइंग दैट रोड एवरी डे, दे वर नॉट स्कैटर्ड, भूत भूत कहाँ. तो आई रिमेम्बर मेरा फ्रेंड, उसने ऐसे चादर डाली और ऐसे ऐसे करके उसने क्रॉस किया. सो दैट गाय जस्ट लुक्ड एट हिम, उसको लगा ये डरा नहीं है, तो फिर आगे भागा, फिर से उसने रोड क्रॉस किया, ऐसे उसने फिर उसे एक लुक दिया, फिर इसने आवाजें करनी शुरू कर दी, उसको डराने की कोशिश की. दैट गाय गॉट इरिटेटेड एंड ही रैन बिहाइंड, सो इट वाज अ साइट टू वॉच कि भूत भाग रहा है, उसके पीछे एक आदमी उसको चेस कर रहा है. ही चेस्ड हिम टिल गाय जंप्ड हिज घर का दीवार और गायब हो गया. बट द स्टोरी बिगिंस नाउ कि दो दिन के बाद आई वाज इन द हाउस और आई स्टिल रिमेंबर द नेम, थापर आंटी, शी वाज देयर. थापर आंटी केम होम एंड शी वाज सिटिंग विद माय मॉम, एंड शी इज टेलिंग माय मॉम, भाभी जी आपने सुना वो यहां पे लेडी का भूत स्पॉट हुआ है, रात को एक भूत आता है और कहानी कहाँ डिस्टर्ब होती है, बता. एंड शी वाज सेइंग, और भाभी जी उनकी टांग जो है ना उसकी उल्टी है. एंड आई वॉज स्केर्ड, आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड कि ये पता लग जाए कि हम लोगों ने किया रात को. एक हफ्ते बाद वॉज अनदर आंटी, वो केम एंड सेड, अभी जी पता है वो भूत स्पॉट हुआ, उसकी टांगे उल्टी है और उसकी शक्ल नहीं है, सिर्फ ऐसा पल्लो ऐसा आता है. सो ओवर वीक्स आई कुड सी द सेम स्टोरी गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग. बाय द टाइम आई थिंक इट बिकेम कि वो एक लेडी थी जिसने कुछ सुसाइड किया था, वो उसकी आत्मा है जो भटक रही है. तो आई थिंक दैट्स द ग्रेट पार्ट ऑफ स्टोरीज, नेवर लेट ट्रुथ कम इन द वे ऑफ इट. That came and yeah, he was 14 years old during partition when he came from a place called Nawabshah. हाँ, वो साइकिल देखी नहीं थी उन्होंने, तो स्टोरी क्या थी मुझे, हाँ साइकिल देखी नहीं थी. He was very amused and he came to a refugee camp which was near Agra and near Firozabad. So he told me that he used to actually cycle from Firozabad till Agra to watch a film and एक बहुत प्यारी सी किताब लिखी है तनुजा चंद्रा ने, उन्होंने मुझे भेजी थी पढ़ने के लिए और मैंने पढ़ी और वो मुझे ले गई अपने बचपन के दिनों में. जो छोटी छोटी मोटी कहानियाँ जो आप अपने माँ बाप से, मामाओं से, बुआओं से, अपने परिवार से सुना करते थे, उस किस्म की ये कुछ उत्तर प्रदेश की कहानियाँ हैं. बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी है.
तो आज उन्होंने बुक लॉन्च किया एंड आई थॉट आई शुड बी हियर. सी व्हाटएवर यू मेक इवेंचुअली हैज टू कम फ्रॉम समथिंग आइदर यू हैव एक्सपीरियंस्ड और यू हैव रेड और यू हैव सीन. सो एवरी आई थिंक एवरी क्रिएशन इज फ्रॉम योर मेमोरीज. सो अभिजात एंड मी स्पेशली चूज टू काइंड ऑफ पिक अप सम मेमोरीज, पिक अप सम रियल लाइफ इंसिडेंट एंड ऑफकोर्स मॉडिफाइड. So yes, whatever Abhijat narrated or we've usually picked up from our lives and kind of modified it to suit the film. Nahi, kitabe to jaan hoti hai, kitabon se bada lagao hai aur to so nahi sakta kitab ke bina. Chahe 10 minute padhu raat ko agar ek kitab to padhni padti hai aur mujhe thoda lagta hai kahin culture khatam hota ja raha hai aajkal. Magar I think books are your best friends and books are the best way to get knowledge, get stories, get to know the world. So what are your thoughts on Tanuja Ma'am's book? This book? Yes. I as I said, she sent me the book last month and I read about I think 3 or 4 stories. I've been shooting so I couldn't finish the book, but those 3 or 4 stories were so fascinating that I remember tweeting about it immediately, and that's how Tanuja called me, said can you come and you know be here today. So it's a fantastic book. When are we wrapping the film up? I mean, is it over or? We've finished about 60% of the film is done. And we're starting a schedule now. So by mid-June, or even before, we would have done most of it. There's one schedule left in New York then. Arey, wo bada out honi nahi chahiye thi wo pictures, but hum log Carter Road pe shoot kar rahe the. Aap logon ne kise ne ek photo leke dal diya. But I'm very happy, बड़ी खुशी से बन रही है फिल्म. और जब फिल्म खुशी से बनती है तो अच्छी बनती है, और वो कहानी कमाल की है तो मज़ा आ रहा है बनाने में. और रणवीर आई थिंक नहीं देखिए बुक प्ले और फिल्में ये तीन अलग किस्म की राइटिंग है. बुक में आप बहुत एक लाइन में आप कुछ बोल सकते हो कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, हो गया, व्यूअर ने बिलीव कर लिया. सिनेमा में आपको उसके लिए एक स्टोरी बनानी पड़ती है, किसका बटुआ गिर गया उसने उठा के लौटाया, तब आपको समझ में आता है कि कैरेक्टर उठ के नहीं बोल सकता ईमानदार आदमी, बोरिंग हो जाता है. तो तीनों अलग किस्म की राइटिंग है, पर तीनों एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं. कई बार आप प्ले से फिल्में बनाते हो, कई बार लोग फिल्मों के प्ले बनाते हो, कभी आप बुक से फिल्में बनाते हो, प्ले करते हो, तो कंटेंट तो होता है मगर फॉर्मेट्स अलग है सबके.